टीकमगढ़ शहर के गंजी खाना हॉकी स्टेडियम में 25 फरवरी से 5 मार्च तक श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसमें बागेश्वर धाम के महंत धीरज कृष्ण शास्त्री महाराज कथा सुनाएंगे। सोमवार को कथा की विस्तृत जानकारी के लिए आयोजन समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कथा के आयोजक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि श्री राम कथा की व्यवस्थाओं के लिए 12 समितियों का गठन किया गया है। 25 फरवरी को शहर के महेंद्र सागर तालाब स्थित प्रतापेश्वर मंदिर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। महेंद्र सागर से यात्रा शुरू होकर ताल दरवाजा पपोरा चौराहा होते हुए अस्पताल चौराहे पहुँचेगी। इसके बाद जेल रोड नया पोस्ट ऑफिस होते हुए यात्रा कथा स्थल गंजी खाना स्टेडियम पहुंचेगी। कलश पूजन के साथ पहले दिन की कथा शुरू होगी। उन्होंने बताया कि कलश यात्रा में बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरज कृष्ण शास्त्री सहित जिले के अनेक साधु संत शामिल होंगे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। तो आज हम सबसे पहले तो अपने बड़े भाई आदरणीय श्री सम्मानीय तिवारी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दिल से हम आपसे जो बात कर रहे हैं कि हम सबका सौभाग्य है कि आपकी कृपा से आज बागेश्वर धाम जी महंत आज हम सबके बीच में पधार रहे हैं, और एक बार नहीं आज एक दूसरा अवसर है। तो अगर हम लोग कहीं से भी नास्तिक नहीं है, रूपरेखा है वो आप और सबके बीच में स्पष्ट रहे। हमने पहले दिन भी श्री राम कथा के मामले में कहा था कि हो सकता है कि हम राम कथा कराने का माध्यम हम हों, हम कथा की शुरुआत कर रहे हों। क्या हमने पिछले बार भी इन लोगों की बहुत तेज ड्यूटी है। इन 15 लोगों की नेचर भी 15-15, 20-20 लोग हैं। आप जो मान लो कि ये लोग करीब 200-300 लोगों की इनको शिष्य मंडल, और इनकी भी बेज व्यवस्था इनने मांगी है कि हम प्रतिदिन एक स्थान पर एक समिति पर कम से कम जो 10 लोग दे रहे हैं। जैसे ये लोग भंडारे पे भी अपनी व्यवस्था बना रहे, जो बेजल में भी अपनी व्यवस्था बना रहे, जी मंच पे भी अपनी व्यवस्था बना रहे, और प्रतिदिन ये करीब 20 परिवार 100 व्यक्ति को सम्मान भी दिला रहे। गुरुदेव से आरती भी ये लोग करा रहे, और उसके बाद गुरुदेव की जब आरती हुई है तो उनको गुरुदेव के द्वारा इनको सम्मान भी अपने समिति के सदस्यों को करा रहे। ये लोग अलग तरीका से अपना सिस्टम तैयार कर रहे। तो बहुत अगर लगत है हमें कि जो पिछले बार या अन्य स्थान पर महिला को जेवर को हो या कोई सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ें हों, 99% या चोरी चपाटी महिला यह कर लेती है, और अपन लोगों की सुरक्षा और देख रेख नहीं कर पाता। अगर जिन लोगों की तेजी रही है कोई भी बार नहीं होकर ये सब चीज़ें, 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का पूज्य गुरुदेव के द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई थी, और जिसकी विस्तृत तैयारियां हो चुकी। कितने लोगों की आने की संभावना है कथा सुनने के लिए? पिछली बार भी हमें कोतवाली के सामने जो नजरबाग का ग्राउंड था, हमारे प्रशासन ने हमें उसकी अनुमति दी थी, उसमें आगंतुकों की इतनी संख्या थी कि बैठने वालों की भी व्यवस्था नहीं कर पाए थे हम। और इस बार हमने उन सब बातों को मद्देनजर गंजी खाना मैदान जो नारायणदास खरे स्टेडियम है उसमें करीब 2 लाख व्यक्ति, 25,000 लोग तो केवल पंडाल के अंदर बैठेंगे, और बाकी स्टैक हैं उन जो नीचे के फील्ड हैं उन सब में मिलाकर करीब 1 लाख व्यक्ति मैदान के अंदर रहेगा, और 1 लाख व्यक्ति आता जाता रहेगा। करीब 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन कथा स्थल पर रहे। कितने दिन भंडारा कितने लोगों को किया जाएगा? हमने प्रथम दिन कलश यात्रा में माताएं बहनों की संख्या बहुत अधिक रहती, पिछले साल 50-60 हज़ार लोगों का भंडारा था, और इतने ही लोग कलश यात्रा में थे। अगर गुरुदेव की कृपा है और भगवान की कृपा है, अगर कलश यात्रा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हर ग्रामीण अंचल पे जाके शहर में भी जाके हम महाआरती का अभियान कर रहे हैं, हमने व्यवस्था बनाई है कि कम से कम 50,000 लोगों का उस दिन भंडारा हो। अगर ज़्यादा हो गई तो गुरुदेव की आज्ञा उनकी कृपा उस आधार पर और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, मगर हम 50,000 का हमारा लक्ष्य पहले दिन। कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय 1 से 6। देखने में आता है भीड़ भाड़ में कुछ लोग चैनल वगैरह मान लो ये करते हैं,
ये अभी देखा भी गया है, तो इसमें सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी वहाँ पर? हम आपको बताएं, हमारे साथ पूरी महिला टीम है, देखो आप पीछे बैठी, हमारे पास पूनम जी है, हमारे पास द्विवेदी है, हमारी राम कुमारी द्विवेदी है, नीतू द्विवेदी है, हमारी आपको बताएं ये प्रीति वगैरह है, सब लोग भी इतना बढ़िया। कल इन लोगों ने बैठक करी हमारे से, करीब इनके 140-145 नामजद थे, इनके बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल की बहनें तैयार करी। इन लोगों की बहुत तेज ड्यूटी है, इन 15 लोगों की नेचे भी 15-15, 20-20 लोग हैं। आप जो मान लो कि ये लोग करीब 200-300 लोगों की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।